Hello students, welcome back to our maths class. In the last class we had completed exercise 4.3 till question number 2. Okay, so in today's class we are going to start a new question, that is question number 3. So come to page number 70. Question number 3 is, find the dividend if divisor quotient and remainder is given to you. तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, डिविडेंड फाइंड करना है जहाँ पे आपको डिवाइजर क्वेश्चन एंड रिमाइंडर गिवन है. तो अपन ने डिवाइड में चेक करने का फॉर्मूला सीखा था. क्या था चेक करने का फॉर्मूला? यस, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. तो अपन को बस वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है और अपन को डिविडेंड फाइंड आउट करना है. तो आई विल सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ए. Just look at the board. A divisor is given to you, that is 4. Quotient is 6330 and remainder is 0. So firstly, jo apan ko given hai, apan ko note down kar liya. Okay. Now we will write formula. Dividend equals to divisor into quotient plus remainder. Divisor kitna hai? 4. Quotient kitna hai? 6330 और रिमाइंडर कितना है? 0. अब सबसे पहले क्या करेंगे, 6330 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसमें 0 प्लस करेंगे. तो मल्टीप्लाई करो 6330 को, 6313 को 4 से मल्टीप्लाई. ओके, 4 3 12 12 का 2 कैरी 1, 4 बंदा 4 प्लस 1, 5, 4 थ्रीजा 12, 4 सिक्सा 24, 24 प्लस 1, 25, तो नंबर आ गया 25,252. अब इसमें अगर आप 0 ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या रहेगा? सेम ही रहेगा. therefore our dividend equals to 25,252. Okay. Let's do question number B. Divisor is 7. Quotient is 12,836 and remainder is 6. So firstly we will write formula. Dividend equals to divisor into quotient plus remainder. Ab divisor kitna hai? 7. Quotient hai 12,836 plus remainder hai 6. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? आप मल्टीप्लाई क्रॉस में करके चेक कर सकते हो, 89,852. अब इसमें 6 प्लस करेंगे तो 6 प्लस 2 विल गिव अस 8 और आगे का नंबर एज इट इज. तो अपना डिविडेंड कितना आ गया? 89,858. आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा. इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करो और सॉल्व करो. लास्ट क्वेश्चन आई एम डूइंग फॉर यू, रेस्ट टू डी एंड ई यू विल डू. ओके, सो सी वन, डिवाइजर कितना है? 9. क्वेश्चन कितना है? 3906 एंड रिमाइंडर कितना है? 1. सबसे पहले क्या करके फॉर्मूला लिखेंगे, डिवाइजर इक्वल्स टू डिविडेंड इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. ओके, नेक्स्ट, डिवाइजर कितना दिया हुआ है? 9. क्वेश्चन कितना दिया हुआ है? 3906. रिमाइंडर कितना है? 1. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा? 35154 प्लस 1. अब इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 35155. तो दिस इज हाउ वी आर फाइंडिंग डिविडेंड. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. रेस्ट टू क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर डी एंड ई यू विल डू. ओके, नाउ वी विल डू वन मोर एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 4.4. इन दिस एक्सरसाइज व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड द फॉलोइंग एंड देन वेरीफाई योर आंसर. मतलब डिवाइड भी करना है, आफ्टर दैट चेक भी करना है. ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 1812 डिवाइड बाय 15. सो इनको क्या करना है? डिवाइड करना है किससे? 15 से. तो सबसे पहले इस तरह से कॉलम में नोट डाउन करेंगे, 15 क्या हो जाएगा अपना डिवाइजर. 1812
10। अब इनको डिवाइड करो। सबसे पहले टेबल्स अच्छे से लर्न होनी चाहिए। 15 की टेबल अगर आपको लर्न नहीं हो तो आप इसको ऐड कर करके लिख भी सकते हो। देखो कैसे ऐड करके लिखते हैं अपन टेबल 15। 15 में 15 प्लस करो 5 प्लस 5 10। कैरी 1 1 प्लस 1 2 और कैरी प्लस करो 3 तो हो गया 30। 15 वाला 15 15 का 30। अगेन 15 ऐड करो। जिस नंबर की टेबल लिखनी है उसमें वही नंबर बार बार ऐड करते हुए रहे। 1800। उसमें 12 प्लस करोगे तो कितना आ रहा है 1812। अपना डिविडेंड इक्वल आ गया, दैट मींस अपना डिवाइड करेक्ट है। आई होप ये डिवाइड आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। 4872 डिवाइड बाय 16। तो 16 से इसको डिवाइड करना है। सबसे पहले
48 आता है, 48 यहाँ पे कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स. 48 माइनस 48 करोगे तो कितना मिलेगा, 0. ऊपर से 7 नीचे ब्रॉट डाउन, 16 को आप 7 से डिवाइड नहीं कर सकते. ऊपर से 2 और नीचे ब्रॉट डाउन. जब भी ऊपर से दो नंबर साथ में नीचे ब्रॉट डाउन करेंगे एक ही प्लेस पे, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा क्वेश्चन में, 0. तो अपना नंबर कितना हो गया, 72. 16 की टेबल में 72 आता है क्या, अपन को पता नहीं. बिकॉज अपन ने 4 टाइम्स की टेबल लिखी है, अपन टेबल को एक्सटेंड करेंगे. 3 टाइम्स कितना आ गया, 75. Seven. 8 minus 1 will give us
1. Therefore, quotient is 247 and remainder becomes 70. Now, what we will do? We will do check. Check the formula again. Divisor into quotient plus remainder. Divisor is 25. Quotient is 247. Or remainder is 70. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 247 को 25 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है 57 का 35 35 का 5 कैरी लगा 3 5 4 का 20 प्लस 3 23 5 2 का 10 प्लस 2 12 2 7 का 14 14 का 4 कैरी 1 2 4 का 8 प्लस 1 9 2 to the 4. There is only one question now left.
3 and 4.4 समझ में आ गई होगी. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. हैव अ ग्रेट डे.